close till I get up. Time is back. अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, क्या हाल है आप सबको, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। सो वेलकम टू अलीनास लाइव। और आज है चांद रात पे आज मेहंदी लगा रही हूँ बच्चियों की मैं, और अभी मैंने हया की लगाई है और एक मोहल्ले से बच्ची आई थी मैंने उसकी भी लगाई है। तो बस चांद रात की जो रौनक है वो ज़्यादातर इसी चीज़ से ही होती है कि मेहंदियाँ लगाई जाती हैं और छोटी मोटी चीज़ें चूड़ियाँ वगैरह रह जाती हैं तो वो बाज़ारों में जाके अक्सर ली जा रही होती हैं। तो मैंने सोचा इस दफ़ा कुछ डिफरेंट टाइप की मेहंदी लगाऊँ बच्चियों की, तो मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी तो मैंने बच्चों की लगाई। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप लोग की चांद रात कैसी गुजरी। तो जी यहाँ से फ्री होकर मैंने कुछ रूम का काम किया था, मेरा रोटेटर था जो कि दराज से पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था, तो बस उसी की मैं सफाई कर रही थी, कुछ लिपस्टिक वगैरह बाहर निकाली थी और ये जो स्प्रे बॉटल पड़ी हुई है फर्नीचर के लिए इसको साफ़ कर रही थी। उसको मैं वॉश कर ले आई थी, अब जो पानी था उसको ड्राई कर रही, और इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ड्राई करने के लिए छोड़ूं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। अगर मैं चीज़ें भी यहाँ वहाँ नहीं रख सकती थी, अगर रखती तो ये जो है ना मिनट नहीं लगाता ख़राब करने में। तो जी मैंने भी अपने हाथ पे जो है मेहंदी लगा ली है फाइनली, और ईद मुबारक इस तरह से लिखा है। इस तरह के डिज़ाइन ना बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे, मैंने पिंटरेस्ट से इसको डाउनलोड किया। तो जी आज है ईद का दिन और अब बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बेडशीट पहले उतार दी थी, और ये वाली बेडशीट जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और इसका स्टफ बहुत अच्छा है। और ये है हया फातिमा के बेड की, इसका जो कलर है कुछ इस तरह से, मैंने चेस वैल्यू से परचेज़ की थी और कलर बहुत ही खूबसूरत था। तो ये मैंने फिर हया के लिए ले ली थी, हया के बेड पर बिछाने के लिए, और अहमद की मैंने जो है वो पहले ही बाय कर ली थी। तो बस अभी जो है वो मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो जी मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है ये बेडशीट। रूम की भी सफाई अच्छे से मैंने कर ली है, डस्टिंग भी हो गई है, एवरीथिंग इज़ गुड। और आज है ईद का दिन और बस मैं अब रेडी होने जाऊंगी, बच्चों को भी रेडी मैंने कर दिया था, और अहमद और उसके बाबा नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं, और दोनों की जो है मैंने बेडशीट बिछा दी है। अहमद की जो है वो डार्क कलर में, हया की थोड़ी सी कलरफुल सी है, और बाकी सब बच्चे रेडी हो गए हैं और अब बारी है मेरी रेडी होने की। तो बस अब रेडी होना जल्दी से स्टार्ट कर दूँगी, ताकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब नमाज़ पढ़ कर आए ना तो बस मैं रेडी हूँ। और ये भी कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और एक चीज़ भूल गई थी, रूम स्प्रे करना, जो ये वाला रूम स्प्रे इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, तो ज़रा कमरे में ज़रा खुशबू हो जाएगी। और बस कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और अब थोड़ा सा मैं मेकअप कर लूँगी। मेकअप में यार क्या, गर्मी बहुत लग रही थी, तो नए कपड़े पहनने के बाद तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने सोचा जस्ट जो है वो फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी और लिपस्टिक लगा लूँगी। और जी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी ये बैंगल्स पहन रही हूँ और गोल्डन कलर की है, और ये मैंने पहले ही बाय की थी, मैंने कुछ नया बाय नहीं किया ईद पर क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ था। और माशाल्लाह हया फातिमा भी रेडी हो चुकी हैं, मैंने कहा चले आ जाएँ आपकी थोड़ी सी पोजिंग वगैरह करवा लेती हूँ, पिक्चर बना लेती हूँ। ये इनका फर्स्ट डे का ड्रेस है, ब्लू है और ब्लैक टाइट्स है, और सिल्वर कलर की इसकी सैंडल्स हैं। और माशाल्लाह ये मेरे चिंटू बिंटू भी रेडी हो चुके हैं, और इसकी तो अदाएँ नहीं मिल रही थी, मतलब इतना खुश था कि आज हो क्या रहा है, यानी सब इतनी जल्दी उठ गए। तो जनाब मैंने थोड़ी सी टिकटॉक बनाई है जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं, और बस सोचा थोड़े से क्लिप आपके साथ भी शेयर कर दूं। और ना मैं इतना अच्छी तो नहीं हूँ टिकटॉक बनाने में, बट या मैंने ट्राई ज़रूर की है। तो हम भी हो गए हैं रेडी, सोचा आपके साथ कुछ शेयरिंग कर लूं अपने ड्रेस वगैरह ईद का। और आप लोग बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है, और आप लोग सब क्या कर रहे हैं, और ईद पर आप लोग कहाँ कहाँ गए, और कितनी कितनी आप लोगों को ईदी मिली, तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मेरा जो ड्रेस है वो मरून कलर का है, और बस एक ही हाथ पे मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि एक ही हाथ पे मैं लगा सकती थी, नेल पेंट भी एक ही हाथ पे लगाई है, और ईद मुबारक। और ये है मेरा ऑल ओवर ड्रेस, पूरा मरून ड्रेस है, और ये है भी मेरे हस्बैंड की पसंद का। जब तक हम लोग छोटे थे तब तक ही ईद लगती थी, अब ज़रा हम बड़े हो गए हैं तो जो ईद का चाँव है ना वो ख़त्म ही होता जा रहा है, मतलब जिम्मेदारियाँ होती हैं, अब हमने ये करना है, दावतें शावतों में लगे होते हैं। तो बस अभी जो है मैंने बीफ कढ़ाई बनाई थी, और अभी रोटियाँ मंगवाई हैं बाहर से क्योंकि इतना टाइम नहीं था जो मैं रोटी बनाऊँ, तो इसलिए
और दूसरा जो है ना वो गर्मी बहुत लग रही थी, क्योंकि नए कपड़े आप लॉन के भी बेशक पहन लें तो उसमें भी आपको बहुत गर्मी लगती है। और जी पुलाव भी हमारा मज़ेदार सा रेडी है और हमारी कढ़ाई भी रेडी है, बस हम सर्व करेंगे इसको। और जनाब माजरत करती हूँ इस ब्लॉग को, ईद ब्लॉग को लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, क्योंकि ईद के फौरी बाद ही जो है बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए और अभी भी मज़ीद चल ही रहे हैं, तो बस एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से लेट हो गई मैं। सो जी सेकेंड डे हम लोग आए हैं जिठानी की तरफ, तो अभी हम ये तरबूज वगैरह खा रहे थे, और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है काला नमक इसके ऊपर डाल के ना, तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा इसका जो है ना टेस्ट होता है, काफ़ी मज़ा आता है। साथ साथ मैं हमाद को भी खिला रही थी। और ये मेरे फिंगर पर टेंट का निशान है कि मैंने टेंट ही लगाया था, गर्मियों में वो टेंट ही अप्लाई करती हूँ। और पानी पीने के लिए जा रही थी क्योंकि मैंने चिप्स खाए हैं ये वेवी, इतनी इसमें मिर्चें हैं यार, बहुत मिर्चें हैं। ये लेडीज़ यहाँ खड़ी हुई हैं खाना बन रहा, बातें हो रही है साथ साथ, तभी हया पानी पी रही है, मैं इसे लेके पानी पीऊँगी क्योंकि इतनी मुझे मिर्चें लग रही थी ना, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हो, इस लड़की को मिर्चें बर्दाश्त नहीं होती हैं और ये मज़े से जो ना ये वाले वीवी खा रही है। और आप लोग मुझे बताना कि आपको कोई अच्छे लगते हैं कि नहीं, बस मैंने गलती कर दी और ये पानी पी रही हूँ ताकि सारी मिर्चें मेरी नॉर्मल हो जाए। और जी माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियाँ जमा हो गई हैं एक दस साथ, और ये लोग थोड़ा सा खेल रही थी, तो मैं सोचा था वीडियो से इनकी बना दूँ। और यहाँ पर मेरे नवाब साहब लेटे हुए हैं जो मुझे अभी टॉन्ट भी कर रहे थे कि मामा मुझे ये खाने के लिए नहीं दे रही है, मैंने कहा पहले खाना खा लो उसके बाद ये खा लेना। और जनाब आप लोग बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी थी? भाई मैं बिजनेस आई और आप भी बिजनेस आओ और मैं भी बिजनेस आई, लाइक करें शेयर करें। हाँ तो जी आप लोगों ने सुन लिया ना आयशा क्या कह रही है, ये मैं माशाल्लाह से मेरी प्यारी सी भतीजी है, ये आपसे कह रही है कि लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। तो अब बच्चों की पिक्चर्स आप लोग इन्जॉय करें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.